जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बड़ी हो या छोटी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी भी बड़ी होती जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने हर एक संभाग में अपने डिविजनल मीटिंग्स करने शुरू कर दिए हैं और उसके तहत वो अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ अपनी स्ट्रैटेजी साझा कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी वो सारी इन डिविजनल मीटिंग्स में तय हो रही है। अगर हम कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस ने जून की शुरुआत से ही ये तैयारी शुरू कर दी है। जून 2 को बस्तर डिवीजन की मीटिंग हुई थी और बस्तर डिवीजन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बस्तर के 12 सीटें पूर्ण रूप से कांग्रेस के पास है और अब इन सारे सीट्स को रिटेन करके रखना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और आज की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस दुर्ग डिवीजन में अपनी डिविजनल मीटिंग कर रहा है और कल बिलासपुर डिवीजन में ये मीटिंग हुई। बिलासपुर डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन है, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिवीजन बिलासपुर डिवीजन कहा जाता है क्योंकि उसमें कुल मिला के 24 असेंबली सीट्स हैं और उसमें मैदानी क्षेत्र भी हैं और शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स भी हैं। कुल पांच शेड्यूल कुल मिला के अगर हम बात करें तो 9 रिजर्व सीट्स है बिलासपुर की इन 24 सीट्स में, जिनमें से 13 सीट्स कांग्रेस के पास है। उन मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो कमजोर है और इसीलिए मैदानी क्षेत्र में बीजेपी की जो बढ़त है वो देखने को मिली थी 2018 में। 2 सीट्स जो रिजर्व्ड है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बची 2 सीट्स वो अजीत जोगी की JCCJ के पास है। इनफैक्ट जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है, जो 2020 में जो डिस्ट्रिक्ट बना गौरेला पेंड्रा मरवाही, वो पहली बार असेंबली इलेक्शंस देखेगा और इसी सीट में अजीत जोगी की प्रेजेंस 2018 में जब वो जीवित थे तब देखी गई थी। मरवाही से वो लड़े थे और उन्हें अच्छी खासी बढ़त मिली थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद फिर जब बाईपोल्स हुए, बाईपोल्स में कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई और के ध्रुव ने वहां पर अपनी प्रेजेंस काफी मजबूत कर ली है। मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि अपनी जो सीट्स है उनको रिटेन करके तो रखना ही है, लेकिन आने वाले समय में 2023 में इन सीट्स को बढ़ाना भी है। इसलिए कांग्रेस एक स्पेशल स्ट्रैटेजी चॉकआउट कर रहा है, स्पेशली बिलासपुर क्षेत्र के लिए और उन सारे मैदानी क्षेत्रों के लिए जैसे कि रायपुर और दुर्ग, जहां पे वो मैक्सिमम सीट्स ला सके। बिलासपुर की ही वो 24 में से 20 सीट्स लाना कांग्रेस के एम में है और इसलिए आज दुर्ग डिवीजन, जिसको VIP डिवीजन कहा जाता है, जिससे खुद चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह खड़े हैं, पाटन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की सीट है और सारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सारे दुर्ग संभाग से खड़े होते हैं। तो ये तीनों डिवीजन कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी इन तीनों डिवीजन में कांग्रेस ने तैयारी की है कि बीजेपी की पोल खोल अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जिसमें बीजेपी के जितने भी 15 साल के कार्यकाल में जितने भी स्कैम्स हुए, जितनी ऐसी चीजें थी जो फ्लॉप हुई और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को हाईलाइट करने का काम किया जाएगा। कार्यकर्ता को भी काफी एक स्ट्रॉन्गली इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि डोर टू डोर वो जाएं और बकायदा लोगों में कांग्रेस के जितने भी सक्सेसफुल स्कीम्स हैं उनका मैसेज वो दें और इन सारी स्कीम्स के साथ साथ बीजेपी के फेलियर्स के बारे में बात करें और एक रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के साथ साझा करें कि कितने लोग खुश हैं कांग्रेस के कार्यप्रणाली से पिछले 4 सालों में और कितने लोग नाराज हैं। मैं सुमी राजपूत, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ।